लौट आई है शादी के मंडप में दुल्हन बनकर सीरत। जी हाँ, अंगद की सीरत, क्योंकि अंगद के तार सीरत से जो जुड़े हैं। चलो, अंगद के चेहरे पर खुशी तो आई, कल तक वो जबरन शादी के लिए तैयार हो गया था, लेकिन आज फाइनली सीरत आ गई। आपकी आंखें ये कौन सा नजारा देख रही है? अंगद के बगल में इस सीरत लौट आई है। देखिए देखिए, दुल्हन बनकर कैसे वो इस शादी कर रही है अंगद से। कब हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि सीरत तो भाग चुकी है ना गैरी के साथ। फिर इतना हंगामा होने के बाद वो लौट कैसे आई और अंगद के साथ ब्याह कैसे रचा लिया? बहुत कंफ्यूजन है भाई, ये हुआ कैसे? अब देखिए, दिमाग पर ना ज्यादा जोर मत डालिए, क्योंकि ये सीन एक ड्रीम सीक्वेंस है। शादी तो अंगद की साहिबा के साथ ही हो रही है। दोनों बेमन से एक दूसरे के साथ ब्याह रचा रही हैं। ख्वाबों ख्यालों में तो सीरत बसती है ना, इसीलिए इस सीरत के साथ उसकी शादी हो रही है ऐसा वो सपना देख रहा है। डोरियां बंद गई, रब दी मर्जी, रब दी मेहर, यही सुनते आए हैं, हो गया। मेरी जो शादी होने वाली थी जिससे वो तो भाग गई, तो ये बन के आई थी, तो अब इसको नहीं जाने दे। वही कह रहे, वही ना, कि कुछ आए हैं तो कुछ लेकर ही जाएंगे। मजे तो बहुत लिए सीरत ने, चाहे वो हल्दी हो, मेहंदी हो, संगीत हो या फिर शादी हो, तो हर इवेंट हुआ है उसके साथ। लेकिन शादी वो चाहती थी कि उसका दूल्हा बदल जाए, जो कि लास्ट मोमेंट तक नहीं हुआ, तो उसको फाइनली ये स्टेप उठाना पड़ा कि उसको गैरी के साथ भागना पड़ा। भाग गई है वो, अभी उसको पता नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है। डिसअपॉइंटमेंट नहीं हो रही, क्योंकि वो तो गैरी से शादी करना चाहती है एंड फिलहाल वो गैरी के साथ ही है, तो खुश है। सीरत का नाम मत लो तुम, मुझे छोड़ के चली गई है, अब उसके साथ तो डेफिनेटली बुरा ही होगा, अच्छे लोगों के साथ जो बुरा करते हैं। देखो, सीरत जी की गलती नहीं है इतनी कोई खास, बेचारी अपनी जगह ठीक है, पर क्या करे, प्यार अंधा होता है। अंधा, बहरा, लूला, लंगड़ा, सब है। अब देखिए अंगद, जो नसीब में लिखा होता है ना, उससे बढ़कर कुछ नहीं मिलता है। जब रब ने आप दोनों की जोड़ी बना दी है, तो इस जोड़ी को कोई अलग नहीं कर सकता है। आपको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए साहिबा का और साहिबा की मम्मी का, कि सीरत जैसी लड़की से बाल बाल बचे आप शादी करने से। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।